साथियों, आज का भारत भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बना रहा है और इसमें निश्चित तौर पर मोबिलिटी सेक्टर के लिए विशेष जगह है। कल जो बजट पेश हुआ है उसमें भी इस विजन आपको देख पाते होंगे। ये तो इंटरिम बजट है, पूरा तो आएगा जब हम तीसरी बार आएंगे तब। 2014 में भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था, 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च का ऐलान भारत के मोबिलिटी सेक्टर को अनेकविध अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। ये ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को ताकत देगा बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। इस अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भारत में रेल, रोड, एयरपोर्ट, वाटरवे ट्रांसपोर्ट यानी हर क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। हम समुद्र और पहाड़ों को चुनौती देते हुए एक के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल तैयार कर रहे हैं और वो भी रिकॉर्ड समय में। अटल टनल से लेकर अटल सेतु तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 10 वर्षों में भारत में 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं। करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। 3500 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। 15 नए शहरों में मेट्रो रेल और 25,000 किलोमीटर के रेल रूट्स का निर्माण हुआ है। इस बार के बजट में 40,000 रेल कोचेज को वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों जैसा आधुनिक बनाने का ऐलान किया गया है। ये 40,000 कोच सामान्य रेलगाड़ियों में लगाए जाएंगे। इससे भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाला है। साथियों, हमारी सरकार की इस स्पीड और स्केल ने भारत में मोबिलिटी की परिभाषा को भी बदल दिया है। हमारी सरकार का जोर रहा है कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों, अटके नहीं, भटके नहीं, लटके नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियां कम करने के लिए भी हमारी सरकार ने ऐतिहासिक बदलाव किए। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग के लिए गिफ्ट सिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। लॉजिस्टिक चेन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है। सामान की ढुलाई में समय कम लगे, पैसा कम लगे, इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विकसित किए गए हैं। कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का एक काम करेंगे। साथियों, आज भारत में नेशनल हाईवेज और आधुनिक एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए कनेक्टिविटी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है।
जीएसटी ने न सिर्फ सामानों की आवाजाही को तेज किया है बल्कि राज्यों के बॉर्डर्स पर जो चेकपोस्ट होते थे उन्हें भी खत्म किया है। फास्टैग टेक्नोलॉजी भी इंडस्ट्री के ईंधन और समय दोनों की बचत करा रही है। एक स्टडी के मुताबिक फास्टैग से अर्थव्यवस्था को हर साल 40,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है।